नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार सिंह शेखावत। 1970 की बात है, अमेरिका का अपोलो 13 मिशन अंतरिक्ष में धरती से 20 लाख किलोमीटर दूर अपने सफ़र पर था। तीन एस्ट्रोनॉट उसके अंदर मौजूद थे। तभी क्या हुआ कि उसका एक ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और इस विस्फोट के कारण कुछ केबल हैं वो डैमेज हो गई। तो कई जो उपकरण थे उस अंतरिक्ष स्टेशन के, उनमें बिजली नहीं जा रही थी, इसके कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब जो क्रू मेंबर थे वो घबरा गए, क्योंकि अगर उनका नीचे मिशन कंट्रोल से संपर्क टूट जाता तो वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही तैरते रहते और कब जीते यानी वो वापस कभी नहीं आते। और नीचे जो मिशन कंट्रोल था उसके भी वैज्ञानिक इकट्ठा हो गए। उन्होंने ऊपर से बताना शुरू किया कि भी इस चीज़ ने काम करना बंद कर दिया है, क्रू मेंबर ने मिशन कंट्रोल को, और अब इस चीज़ ने काम करना बंद कर दिया है, इस चीज़ ने काम करना बंद कर दिया है। तभी जो डायरेक्टर था नीचे मिशन कंट्रोल का, वो कंट्रोल पे आया और बाकी वैज्ञानिक तो इतने डर गए थे कि अब लगता है ये मिशन हमारा फेल हो गया और इन तीन लोगों की जान हम नहीं बचा पाएंगे। डायरेक्टर ने ये कहा, निर्देश दिया क्रू को कि आप मुझे ये मत बताइए कि किस चीज़ ने काम करना बंद कर दिया, आप ध्यान दीजिए और मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें करंट आ रहा है और वो काम कर रही हैं। तो उन्होंने उसी तरह से नीचे मिशन कंट्रोल को संदेश भेजे और उसी के आधारित पर नीचे उपस्थित वैज्ञानिकों ने उनको निर्देश दिए, जिससे जो केबल में करंट नहीं आ रहा था वो ठीक किए जा सके। इस तरह से तीनों क्रू मेंबर की जान तो बची ही, जो मिशन था वो भी फेल होने से बच गया। अरबों डॉलर की लागत आई थी उसके ऊपर और देश की साख पे बट्टा लगता वो अलग से। ये यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है, देखिए जो मिशन कंट्रोल डायरेक्टर था उसने कमांड कंट्रोल को क्या कहा था कि मुझे बताइए जो चीज़ काम कर रही है उनके बारे में, जो नहीं कर रही उनके बारे में नहीं बताइए। 1995 में इस मिशन के ऊपर एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म में इस स्टोरी को रिक्रिएट किया गया और तब लोगों को पता चला कि किस तरह से एक मुश्किल हालात से वैज्ञानिकों ने रास्ता निकाला। ये चीज़ हमारे जीवन में भी लागू होती है। हमें इतनी ब्लेसिंग्स होती हैं परमात्मा की कि हम उनके बारे में नहीं सोचते, हम ये सोचते रहते हैं क्या नहीं है, क्या खराब चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, उन पर ध्यान देते रहते हैं। और इसके कारण जो चीज़ें अच्छी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य ही क्यों ना हो, चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए काउंट योर ब्लेसिंग्स, किसी ने सही कहा है कि हमारे पास जो है उसकी गिनती करनी चाहिए और उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, फिर जो नहीं है वो भी आ जाता है। आज बस इतना ही। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।